स्वागत है आप सभी का द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क में। और एम्स की अगर बात करें तो एम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाने का सपना हर किसी का होता है, और ऐसे में जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू से कई बार लोगों को जो बीमार हो जाते थे उन्हें कई बार एम्स लेकर जाना पड़ता था। लेकिन अब जो है जम्मू में, जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर में एम्स के हॉस्पिटल बन रहे हैं। अगर जम्मू में मैं बात करूँ, एम्स का हॉस्पिटल बन रहा है विजयपुर में, और इस हॉस्पिटल की अगर बात करें, इस हॉस्पिटल का कामकाज बहुत तेज़ गति से हो रहा है। इसकी क्वालिटी भी अच्छे तरीके से इस हॉस्पिटल को बनाया जा रहा है। और इस हॉस्पिटल की अगर डेडलाइन की बात करें, जो बनने की जो डेडलाइन दी गई थी जब तक ये हॉस्पिटल बनना था, वो डेडलाइन थी 2023 तक। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जिस कंपनी को ये कामकाज दिया गया है एम्स का, आलूवालिया कंस्ट्रक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग काफ़ी अच्छे ढंग से दिन रात मेहनत करके काफ़ी आधुनिक मशीनों का जो है इस्तेमाल करके इस एम्स हॉस्पिटल को बना रही हैं। और कहा जा रहा है कि एम्स हॉस्पिटल जो है अगले साल यानी कि 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ख़ासतौर पर जम्मू के लोगों के लिए। वो एम्स जहाँ पर कोई बीमार अगर हो जाए उसे इलाज करवाने के लिए सपनों में ही जो है वो कर सकता था, सपने देखने पड़ते थे, सोचना पड़ता था क्या वहाँ पर जाएं कि नहीं जाएं। लेकिन अब एम्स का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जम्मू में भी बनकर तैयार हो रहा है विजयपुर में, और 2022 तक इसका कामकाज जो है वो पूरा हो जाएगा और ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इस चीज़ को लेकर केंद्र की स्वास्थ्य मंत्रालय की जो टीम है उन्होंने भी दौरा किया था एम्स हॉस्पिटल का, जो विजयपुर में एम्स हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने वहाँ के कामकाज को लेकर काफ़ी जो है संतुष्टि जताई। और उन्होंने कहा कि आलूवालिया कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रही है, आधुनिक मशीनों का जो है इस्तेमाल कर रही है कामकाज में, और सबसे बड़ी बात गुणवत्ता का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है वहाँ पर इस एम्स हॉस्पिटल को बनाने में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि एक तो तेज़ी के साथ काम हो रहा है, दूसरी तरफ गुणवत्ता का ख्याल रखना वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो टीम आई थी बाहर से स्वास्थ्य मंत्रालय की, उन्होंने संतुष्टि जताई इनके कामकाज पे। और ये चीज़ भी कही कि जो जिस एम की जो है डेडलाइन दी गई थी 2023 की, कि 2023 तक वो एम्स का हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा, उस एम्स के हॉस्पिटल को बनने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं वो डेडलाइन से पहले ही और समय से पहले ही वो कामकाज वहाँ का पूरा हो जाएगा और एम्स हॉस्पिटल 2022 में बनकर रेडी हो जाएगा। अब एम्स जैसे ही बनकर रेडी होगा वैसे ही जम्मू के जितने भी लोग हैं या फिर जम्मू कश्मीर के साथ लगती स्टेट, चाहे मैं हिमाचल की बात करूं, चाहे मैं पंजाब की बात करूं, वहां के लोग भी जो है काफ़ी फ़ायदा उठा सकेंगे इस हॉस्पिटल का। क्योंकि अगर दिल्ली के एम्स की बात करें वहां पर काफ़ी ज़्यादा जो है समय लगता है, ऐसे में ये एम्स बनने से कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों के जो जितने भी लोग हैं उन्हें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और जब भी एम्स खुलेगा तो उसके बाद काफ़ी फ़ायदा जो है तीमारदारों को, मरीज़ों को, उनके घर वालों को, सभी को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं दिल्ली जाने में जितना वक्त लगता है वो वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा, और वक्त का जो है वक्त रहते ही यहाँ पर लोगों का इलाज भी हो सकेगा। और कहीं ना कहीं बड़ी खबर और एक अच्छी खबर जो है जम्मू के लोगों के लिए निकल कर सामने आ रही है कि वो एम्स जिसे बनने के लिए तारीख दी गई थी 2023 की, वो एम्स अब एक साल के अंदर ही जो है 2022 तक बनकर रेडी हो जाएगा। क्योंकि कामकाज बहुत तेज़ गति से जो है उस हॉस्पिटल का वहाँ पर चल रहा है, और एक्सपेक्टेशन जो जताई गई है कि 2022 में ये बनकर तैयार हो जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सेवा में हाजिर होगा, और जम्मू की जनता को जो है काफ़ी फ़ायदा इस हॉस्पिटल का मिलने वाला है। बहरहाल जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूँ चलते चलते कि एम्स हॉस्पिटल जो विजयपुर में बन रहा है, जिसकी डेडलाइन 2023 की थी, वो समय से पहले पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो टीम है उन्होंने वहाँ पर विजिट किया था, जिसके बाद उन्होंने कामकाज पर संतुष्टि जताई है और कहा है कि एम्स का जो कामकाज है काफ़ी तेज़ गति में चल रहा है और 2022 तक ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा। आप देखते रहें द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क, मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।